चिकन रेडी है खाने के लिए ना जी। आपका चल गया 700 आइल। हो गया लाल मिर्च खड़ा, काली मिर्च होगी, ये आपका जीरा हो गया, ये गरम मसाला का हो गया, ये लौंग है, जीरा है, इलायची है, दालचीनी है आपका, ये आपका तेज पत्ता हो गया। ये हो गया आपका सॉल्ट, नमक एक बार ही डालता हूँ पूरा। तो देसी चिकन बना रहे हैं पूरा जी। तो अभी आप पूरा प्रोसेस देखिए अच्छे से, देसी चिकन कैसे बनता है वो भी बिहारी स्टाइल में। देख सकते हैं प्याज को अच्छे से गलाया जाएगा, इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तो लगेगा ही गलने में। ये आपका आगे कश्मीरी में लहसुन अदरक और मिर्चा का पेस्ट, ये गया लहसुन अदरक मिर्चा का पेस्ट जो कि पहले से बना के रखते हैं प्रिपेयर करके। तो इसके साथ चिकन भी डाला जा रहा है साथ साथ। और इसके बाद मसाला कब डालते हैं भैया? मसाला जब थोड़ा सा ये भुंजा जाएगा चिकन के साथ। लहसुन इसलिए डालते हैं ना कि इसमें चिकन में होता है थोड़ा सा बेचैनी होता है जो कम कर देते हैं। 20 किलो। कितना केजी चिकन है भैया? 20 केजी है। 20 केजी जी। तो गाइस देख सकते हैं 20 केजी चिकन का प्रिपरेशन हो रहा है। पूरा पूरा बड़ा सा ये पतीला है, बड़ा सा बड़ा, इसको कढ़ाही बोल सकते हैं, कढ़ाहा भी बोल सकते हैं। कश्मीरी मिर्च है ये, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च गया है इसमें अभी। ये मटन मसाला थोड़ा कम ही यूज करते हैं इसमें, सिर्फ फ्लेवर के लिए। मटन बन गया क्या? चिकन मसाला, जीरा पाउडर, ये गया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, आपका हो गया धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा वाला है मिर्च, ये गया काली मिर्च पाउडर, हल्का सा पानी लेने से पाउडर हमारा जले नहीं। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं मसाला में से वायर रिलीज होगा, हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। मसाला में से ऑयल रिलीज होगा, चिकन आपका रेडी है खाने के लिए। यह आपका अमूल का बटर हो गया। अच्छा, अमूल का बटर जी, इसमें आपको समथिंग 150 ग्राम भर डाला जा रहा है। इसको जूसी होता है, इससे बहुत बढ़िया एकदम मुलायम पीस हो जाता है, रेसा वगैरह जो होता है अच्छा। थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो इसमें अमूल का बटर डाला जा रहा है जिसके चलते जो चिकन है पूरा जूसी होगा, आपके मुंह में आके एकदम पिघल जाएगा बटर की तरह, उसका अलग ही टेस्ट हो जाता है बटर डालने से। तो इसलिए भैया डाल रहे हैं, टेस्ट इनहेंस होता है और जूसी हो जाता है। यह हमारा देसी घी है घर का पिघलाया हुआ जी। तो चिकन अभी बस होने वाला है क्या? हाँ, ये आपको 10 मिनट में चिकन रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्या कलर आ गया अभी चिकन का, थोड़ा देर और होगा। लेग पीस तो फ्राई होकर के आएगा ना, तब जाएगा इसमें। तो इनका अलग ही तरीका है, लेग पीस फ्राई करके डालते हैं इसमें अलग से। ये देखिए लेग पीस आ गया, अब इसमें लेग पीस डाला जाएगा चिकन में। ये देखिए चिकन रेडी है खाने के लिए ना जी। ये गरम मसाला का पाउडर लास्ट में जाता है थोड़ा सा ना। हाँ जी, तो भैया यहाँ का एड्रेस क्या है? यहाँ का एड्रेस हुआ पटना सिटी। अच्छा। सिटी कोर्ट, सिटी कोर्ट से जस्ट नीचे ढूंढेंगे तो महावीर घाट है।
महावीर घाट में ये काउंटर फूड काउंटर लगता है। तो इनका काउंटर का नाम हंगड़ी हंगड़ी जी। अच्छा, तो गाइस देखिए पूरा चिकन रेडी हो गया है, बन के अभी खाने के लिए तैयार है। देख सकते हैं क्या तेल आया, अच्छे से तेल दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए गाइस तेल अच्छा से छूट गया है, इसका मतलब चिकन हो गया है। और चिकन का पीसेस देखिए आप, ये देखिए। तो आपको यहाँ पर चिकन पराठा खाना हो तो महावीर घाट आइए और यहाँ का लुत्फ़ उठाइए जायके का।